अब रात का वक्त है, हम लोग लकड़ी लेने जा रहे हैं ताकि ढोल दमो को तचाया जा सके, और ये पूरी गैंग लगी हुई है ढूंढने पे रात के अंधेरे में, ताकि इनको कोई देखे ना और ये किसी की भी लकड़ियां चुरा ले। और ये गैंग को लकड़ियां मिलने वाली हैं अभी, बाकी लोग जा रखे हैं अभी पंचायती चौक में भैला खेलने। और यहां से गैंग को गुप्तचरों ने यही बताया था कि यहीं पे मिलेगा माल, लकड़ियां यहीं पे मिलेंगी, लेकिन अभी गैंग असफल चल रही है। चंदन की लकड़ियां सी रही हाँ, और ये खतरनाक झाड़ियों के बीच में घुसते हुए यहाँ भालू रीच भी मिल सकता है आपको। ये पुस कब रखे रे हैं क्या हो, ये तो कॉल दे रहा ला मन। चलो शाबाश, अब देते तुम कर बेटा मोड़ फिर कल रखियो बबल ठीक बड़े रखे रे तो पता तेरा कल रखना वाला था, तेरा कल रखना वाला पूरा जर तब वो मैं घर काम हुए का छत अब जा मन खूब बड़े रखे रे। अब ये इतना बड़ा लकड़ मिल चुका है इन लोगों को हाँ, और भी लकड़ियां हैं इतनी बड़ी बड़ी, और ये टीम लेके जा रही है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा लकड़ है। इसको गढ़वाल में गिंडका कहा जाता है, तो बहुत बड़ी गिंडकी लेके जा रहे हैं, गिंडका दो गिंडके हैं बहुत बड़े, ये पूरी रात भर जलने लायक हैं। और ये छोटा वाला गिंडका भी उठा दिया इन्होंने, छोटी वाली जो होगी वो गिंडकी बोलते हैं, बड़े वाले को गिंडका। मतलब गिंडकी का गिंडकी होगा फीमेल वर्जन और गिंडका हो गया मेल वर्जन। ये पहिया बोलते हैं इसको, पहाड़ में एक पेड़ होता पहिया और उसका गिंडका इन्होंने उठा लिया है। अब एक खड़ी का गिंडका एक, लेकिन गिंडकी लग रही है क्योंकि छोटी है, इसको गिंडकी बोला जाएगा। अब लोग उन्होंने गिंडकी निकाल दिए बाहर, पर एक गिंडका ये काफी बड़ा है तो गिंडका बोला जाएगा इसको। साथ में बिच्छू घास भी है, और ये देखिए बहुत ही बड़ा गिंडका है, पूरी रात भर ये रात गुजारने के लिए है। उसको भी निकाल दिया जाए, उस बड़े वाले गिंडके को भी निकालो 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 सुनील भाई, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं, नहीं दबाओ, निकालो निकालो, अरे निकालो नहीं चंडी आ जाएगा वो। ये लो ये आ गया, गया बस। अब यहाँ पर ये बहादुर ये गिंडका काफी गहरा है, कह रहे मिट्टी के अंदर दबा हुआ है ये, यहाँ पे बिच्छू घास लग चुकी है इनको, यहाँ पे बड़े बड़े सांप भी रहते हैं अजगर। पर अभी हिमांशु भाई ने कहा हम हार नहीं मानेंगे, ये प्रधान है गांव के, प्रधान साहब ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रधान जी के पुत्र अपनी बहादुरी दिखाते हुए अब देखते हैं कितने सफल होते हैं। और उनके साथ सुनील चाचा जी उर्फ मुलायम सिंह जी, यूपी में जब सरकार बनी थी तो इनका बहुत सहयोग रहा उसमें। देखिए आज क्या हालत हो गया मुलायम सिंह का। वो नीचे आ जाओ, नीचे मुंह उंधा जा। और एक कैरू भाई है, और ये हमारे गुप्तचरों में से एक है, ये पता करते हैं कि रात को लकड़ियां कहाँ मिल सकती हैं। हमारी स्कूल है वीडियो जर्नलिस्ट, खींचा दूसरी तरफ खींचा, सबल मंगा जाए, ये बहुत बड़ा गिंडका है। इन्हें आते बाजी तुम तक लो तो एक नहीं बनो, मरी गिंडकी को हिलाने में पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। और आप जा चुके हैं, आप जा चुके चंडी प्रसाद, इन्होंने कहा कि हम ढोंडियालो के बंसज हैं, तो गिंडका तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है। ये देती है ता ये ता ये तो कराती है अब अच्छा बस देखो, अगर नीचे आप हाथ लगाओगे तो गिंडका आप आसानी से निकाल सकते हो। और पवन भाई से अनुरोध है सब्बल लेके आए, पवन भाई आप जाए और सब्बल लेके आए। अब ये दूसरे प्रधान जी आ चुके हैं, ये बड़े अब देखते हैं इनमें कितना हिम्मत है, बड़े वाले प्रधान गिंडका लेने आ रखे हैं। देखिए आइए आइए, अब इनकी हिम्मत को देखा जाए, आप इनको पहचान लीजिए। चलो सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड वाले हैं ये, क्या
पवन भाई ने सोचा कि हम गिंडकी उठा लेते हैं। अब पवन भाई की ताकत को देखा जाए। हाँ अगर वो थक जा लो तो सब बड़े अच्छा, ये थका लो तो गंदे जाना वो चीज। अब ये पतंजलि जी ने कहा कि हमारे बस के तो है नहीं, अरे गिंड का काफी है। चलो भाई, पहले तो बड़े फुंदे बन के आ रखे थे ना भाई, और पतंजलि जी ने बड़ा निराश करा हम लोग को, हम इनके सहारे थे। अब सुनील जी कह रहे हैं कि ऊपर है तो देख रहे हैं, जा चलो। गुप्तचरों ने यहाँ भी बताया था कि यहाँ माल मिल सकता है, लेकिन बड़ा निराश होना पड़ा हम लोग को, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। पर चलो इतने से संतोष करना पड़ेगा हम लोग को। ये भंगड़े जी, इनको छोटे छोटे लकड़ी को भंगड़े कहते हैं, इन भंगड़े को भी लेके जा सकते हैं हम लोग। क्याड़े कहते हैं छोटे 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 लकड़ों को, क्याड़े उनसे थोड़ा बड़े होते हैं, उनको भंगड़े कहते हैं, भंगड़े। और उनसे बड़े जो होते हैं उनको गिंडकी, और गिंडकी से भी बड़ा जो होता है उसको गिंडका। अरे पतंजलि जी इसको कंधे में रखेंगे। पतंजलि जी अपना हुनर दिखाया जाए, आपको बता दें इनका ए भी है एक। भैया पतंजलि जी इसको उठाइए भाई, पकड़े चल पकड़ ले वो। यो इनसे। चल भाई, तू वीडियो रिकॉर्डिंग है कर, बंद करे चल, बंद कर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर। पाऊंगे की नहीं, इधर इधर हिमो है ये, देखो ये दो पतंजलि जी मिलके और आज आपको साबित कर देंगे कि इनसे बेहतर कोई नहीं है डोबरा गांव में, कोई ताकतवर नहीं। फिर तू तो छोड़ जा अंदर में जा। अरे वो अकेले लेके जा रहे ना, ये पकड़ा दिया कभी मी, चला मी पूमी छुपी नहीं पतंजलि जी का। अरे पतंजलि जी ने बहुत निराश करा हम लोग को। आज ऐसा वक्त आ गया कि एक किलो टॉर्च करने लायक बचे हुए हैं और अब आ चुके हैं। चलो अभी देखो हम लोग गिंडका लेके जा रहे हैं। चंडी प्रसाद का इसमें बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ है इनका। रुक रुक रुक।